बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के अनूप शहर रोड पर कब्रिस्तान के निकट गहरे तालाब में जानवरों के अवशेषों से भरे कई प्लास्टिक बैग मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद घटनास्थल पर लोगों का जमावड़ा लग गया, जबकि SPCT, SDM, CO, तहसीलदार, पालिका के EO समेत तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और अवशेषों को PAC के गोताखोरों के द्वारा बोट से निकलवाया गया। इस दौरान बैग बाहर निकलवाने के लिए JBC की भी मदद ली गई। वहीं सूचना पर भाजपा नेता व हिंदू संगठनों से जुड़े लोग भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने आशंका जताई कि अवशेष गौवंश के हो सकते हैं, जबकि उन्होंने आरोप लगाया कि इलाके में बड़ी गौकशी की घटना को भी अंजाम दिया गया हो सकता है। शिकारपुर कस्बे के बाहर अनुसर रोड जाता है, वहाँ पर एक तालाब है, उसके पीछे एक कब्रिस्तान है। वहाँ पर कुछ अवशेष पाए गए हैं जो काफ़ी पुराने लग रहे हैं और उनको पशु चिकित्सक द्वारा उनका नमूना ले लिया गया है, जांच के लिए भेज दिया गया है। बाकी आगे की जांच की जा रही है और लोगों से पूछताछ करके इसमें आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। कोई सर अभी तक हिरासत में किन्हीं लोगों को लिया गया कुछ? नहीं, अभी तो जो लोग आसपास के उन्हीं से पूछताछ की जा रही है और उसमें भी टीमें बनाई जा रही हैं, इसमें कार्रवाई कराई जा रही है। राम किशन जी करीब 5:30 बजे अनुपसर वाली रोड पर जा रहे थे, उन्होंने तालाब पर नए कट्टे बंधे हुए देखे जिसमें कि गंदगी और बदबू आ रही थी। उन्होंने फ़ोन करके मुझे संज्ञान में घेरा। उधर सौरभ चौधरी जी वहाँ पे आ रहे थे, आज एक गमी में डरुआ गए थे तो वहाँ से लौट के आए थे। उनका फ़ोन आया, मैं भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम के साथ में वहाँ पर पहुँचा। हमने वहाँ पर जब संज्ञान में लिया तो पता चला कि कुछ तो अवशेष जानवरों के करीब 9-10 अवशेष वैसे मिले खाल टाइप में, और बाकी कट्टों में करीब 20 कट्टे करीब मिले। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा 25 जानवरों के आसपास का ये प्रकरण रहा होगा। तो जब हम मौके पर आए, हमने SDM साहब को सूचना दी, SDM साहब, नायब तहसीलदार साहब, CO साहब और अपने कोतवाल साहब, पूरा प्रशासन यहाँ मौजूद था। हमने फिर सैंपलिंग की बात की तो सैंपल के लिए हरिओम शर्मा जी ने डॉक्टर चंद्रवीर जी को बुलेंसे से बुलाया गया। डॉक्टर चंद्रवीर जी के द्वारा सैंपल कराया गया। सैंपल कराने के बाद में, और यहाँ पे हंगामा तो हमने नहीं होने दिया, लेकिन हमें बहुत दुख है कि ये करीब ऐसा प्रतीत हो रहा है सिर को देखते हुए कि गायों का प्रकरण हो सकता है। तहसील प्रशासन अभी CO साहब से जब वार्ता हुई तो CO साहब से जब कहा कि रामकिशन जी ने कट्टे के सैंपल लीजिएगा, तो CO साहब बोले कि आप खोल दीजिएगा कट्टे। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब बाद में वार्ता हुई तो उन्होंने कहा हम आपका सहयोग करेंगे, हम कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने उस तरीके से बात की तो हमने उसको पूरे प्रकरण को संज्ञान में जाँच स्पष्ट तरीके से कराई गई, जिसमें रवि प्रधान जी का, जॉनी प्रधान जी का और भारतीय जनता पार्टी का सभी का सहयोग रहा और सबने पूर्ण सहयोग के साथ में ये काम अपनी तन्मयता से किया। योगेश जी भी रहे सिंधु प्रसाद और नगर पालिका दशासी अधिकारी और जो नायब तहसीलदार साहब हैं वो तो पूरे प्रकरण को संज्ञान में सही तरीके से ले गए। उन्होंने सामने गए हैं तो वहाँ पे 17 खूंटे करीब बड़े पाए गए हैं और बहुत सारे लोग ये गए हैं अंदर, तो कह रहे हैं हम जाँच करेंगे इसे पूरी निष्पक्ष तरीके से, संज्ञान में लिया जाएगा। कल 10 बजे हम सब लोग कोतवाली भी जाके एक बार कोतवाल साहब से बात करने हम पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। गड्ढे को मैं उन गायों को दबा कर अपने हमने नमक गिरवा कर ऊपर कलाई वगैरह बिछवाने के बजाय हम सब लोग घर पर जा रहे हैं। अब वो अपनी जांच की अपनी हमसे कहा है कि हम अपनी जांच को स्पष्ट रूप से करने के बाद पूरी व्याख्या देंगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।